जी तो मेरी YouTube फैमिली को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ से लास्ट ब्लॉग एंड किया था उसके थोड़ी देर बाद हमने ये बिरयानी मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अब रात खाना ही नहीं बनाने दे रहा, तो खैर रात के टाइम ना हमने बिरयानी खा ली थी। और उसके बाद जी तो जनाब पिछले एक घंटे से ना मैं अपने किचन में मेहनत कर रही हूँ कि मेरा किचन ना बिल्कुल साफ़ हो जाए और ख़ाली हो जाए। वो जो वहाँ बास्केट पड़ी थी ना इस साइड पे, वो ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने ये बास्केट भी हटा दी है यहाँ से, और मैंने ना बर्तन वगैरह सेट कर दिए हैं। सिर्फ वो जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, दो तीन नॉन स्टिक जो मेरे बर्तन रोज़ के यूज़ के मैंने वहाँ रख लिए, बाकी मैंने सब कुछ हटा दिया। और वो ओवन के ऊपर ना एक दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ वो एक बॉक्स ड्राई फ्रूट का है और साथ में रस पड़े हुए हैं, पीछे अंडे ब्रेड पड़े हुए हैं, और ये एक दो चीज़ें तो आपको पता होती हैं किचन में। तो बस किचन ना मैंने पूरा एक घंटा लगा के ना क्लीन कर दिया सारा। और बाकी जो आपको अगर कुछ नज़र आ रहा है ना, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है, वो वॉल्स वगैरह हैं ही ऐसी और नीचे से कुछ कैबिन्स भी ऐसे ही हैं, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया बिल्कुल। तो जी ये टॉयस को ना मैंने भी बड़ी बास्केट में डाल दिया, छोटी बास्केट से ना ज़्यादा रश लगा रहता है। वैसे तो इससे भी लग गया, लेकिन एक सिमट गए हैं सारे टॉयस, लेकिन ये फैले हुए तो फिर भी नज़र आते ही रहेंगे थोड़े बहुत आपको। और अब्दुल्ला के बाबा भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या हुआ आपको, शर्म क्यों आ रही है इतनी? अब्दुल्हत बाबा आ गए, बाबा आ गए है, क्या हुआ है? चलो अच्छा मैं रोटी बनाने जा रही हूँ भाई, बाय बाय। चले जी आटा तो मैंने गूंद लिया है और फटाफट से बनाते हैं अब रोटी। और रोटी के लिए सामान वगैरह ले लेते हैं, ये ले लिया है हमने, और हमारी ये भी चीज़ें आ गई। तो जी रोटी बना लेते हैं फटाफट। वैसे ना आटा भी ताज़ा मैंने गूंदा है, और ताज़ा रोटी ताज़ा आटा की ना रोटी बनाना थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी ज़रा हार्ड बनती है, और ना थोड़ा उसको ग्राइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बना लेती हूँ ताज़ा आटे की रोटी, इतना कोई मसला नहीं है। फटाफट से रोटी बना लेते हैं और खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जी क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक छोटी बास्केट एक रख दी है, ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, अभी भी आप देख रहे हैं सामने ग्लास और कप्स वगैरह हो रहे हैं काफ़ी सारे। ये मैं हटा दूँगी यहाँ से, अभी गीला है इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ, वैसे भी यूज़ करना होता है बार बार हस्बैंड के लिए चाय वगैरह कॉलेज में देनी होती है, तो इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ ये, तो देख लेंगे इसको हटाना होगा तो हटा देंगे। तो बाउल्स जो थे ना छोटे मोटे और जो भी यूज़ वाले थे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, तो अब जगह काफ़ी सारी है हमारे पास ना, ये वाली भी है और इधर भी है और उधर वो पड़े हैं, और बस बाकी इधर ये जो अपना है काम सारा। तो किचन ना खाली खाली अच्छा लगता है मुझे तो ना, ये वाले बर्तन भी अच्छे नहीं लग रहे अभी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतनी सी तो अब करनी पड़ती है ना, इतनी जगह नहीं होती है किचन में, तो इसकी खैर है कोई बात नहीं। तो जनाब ये रोटी बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लगा देते हैं, और इस तरह से ना रोटी बहुत मज़े की लगती है। कोई भी सालन हो ना, देसी घी वाली जो ये रोटी होती है ना, उसके साथ सालन का मज़ा भी दोबारा हो जाता है यकीन करें, और रोटी भी अच्छी लगने लग जाती है, बंदा खा लेता ज़रा थोड़ी नरम नरम सी। और वैसे भी ताज़ा ताज़ा रोटी है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको घी लगा देती हूँ ताकि ना सख्त ना लगे ये बिल्कुल भी खाने में। अच्छा यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो ये कि ताज़ा आटे की जो पहली पहली रोटी होती है ना, वही थोड़ी सी ना अजीब बनती है, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी चौथी रोटी पे आते हैं तो वो सही हो जाती है। अब आप ये देखें, ये वाली मतलब जैसे दूसरा आटा होता है ना उसी तरह लग रही है, हालांकि वही तवा होता है, वही ये सब सारा कुछ हम लोग कर रहे होते हैं, उसी तरह बेलते हैं, उसी तरह फेड़ा बनाते हैं,
तो ये पहली पहली रोटी को क्या मसला होता है, तवा भी उतना ही गर्म होता है। पता नहीं, आज तक समझ नहीं आई मुझे ये बात। वो जनाब साथ में जी हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे अंडा भी चाहिए, तो मैंने एक अंडा भी डाल दिया और ये बना लेते हैं साथ। अंडे में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे। चलो 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 चलो, ये जी थोड़ा सा छिलका अंदर रह गया था, ये मैंने निकाल दिया बाहर। ठीक है, देख लें सारे। चलें जी खाना खाते हैं। भी आ ही चुका है तो इसको रख ही देते हैं, हल्की सी आग पे ना इसको रख देते हैं, उतनी देर में फटाफट ये बॉईल हो जाएगा और हम खाना खा लेते हैं। तो जी खाना हम खा चुके हैं और अब बनाने लगे हैं जी चाय। ये वाला जो बर्तन है ना, थोड़ा सा ना हस्बैंड ने ख़राब कर दिया था। ये जो बास्केट वहाँ पड़ी थी ना, ये मैंने यहाँ लगा दिया, इससे ना वहाँ पे थोड़ी जगह बच गई है अब काफ़ी सारी, मतलब इजी हो गया ना अब काम थोड़ा सा। चलें चाय बना लेते हैं, दूध ले लेते हैं, अभी तो दूध यही वाला है भी आया है ये दूध, और तकरीबन बॉयल हो ही गया, इसी की चाय बना लेते हैं। ये इनफ है दूध, पत्ती डाल लेते हैं चाय में, एक चम्मच काफ़ी है, थोड़ी सी और डाल लेते हैं, ये पत्ती ना थोड़ी सी लाइट है। और जी हम डाल देते हैं चीनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीनी एक भर के चम्मच, आप देख रहे हैं ना ये वाला स्पून मैंने रखा हुआ है, इससे अंदाज़ा हो जाता है मुझे कि ये वाला एक चम्मच काफ़ी होगा। ये मतलब अगर मैं दूसरे चम्मच से डालूँ ना, फिर चाय पी के रह जाती है, फिर हस्बैंड कहते हैं जी कि फीकी चाय बना दी है आपने, जाओ चीनी लेके आओ, तो इसलिए मैंने ये वाला चम्मच रखा हुआ है। चले मैं बातें इस बाद में करेंगे ज़्यादा, बाकी वाली चाय गिर जाएगी हमारी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना चाय की आग हल्की कर दी है, ये वाले जो बर्तन है ना ये मैं फटाफट से धो लेती हूँ, किचन साफ़ है तो साफ़ ही रहने देते हैं उसको, बजाय इसके कि फिर इतने सारे बर्तन हो जाएँ और फिर हमें मसला हो। पानी खोल लेते हैं। ले जी चाय तो नहीं गिरी लेकिन दूध गिर गया है। मैं बाहर गई थी टमाटर लेने के लिए फ्रिज में से, और इतनी देर में ना दूध गिर गया हमारा थोड़ा सा। चलें कोई बात नहीं। ले जी यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भी काट दिया, एक प्याज एक टमाटर ले लिया और अभी मैंने फटाफट से काट दिया, बाकी काम ना बाद में करते हैं। दाल बनाने लगी इसलिए मैंने इस तरह से काटा है, बस पानी के अंदर सब कुछ डाल के ना रख देंगे, आराम से दाल बनती रहेगी। खाना तो खा ही लिया तो कोई बात नहीं, बन जाएगी दाल आराम से, तो ये है कि इसी टाइम बना लूँगी तो इजी रहेगा। फिर सुबह टाइम ना अब्दुल हाथ बहुत तंग करता है, वह खाना नहीं बना देता, इसलिए मैंने कभी बना के रख देती हूँ जी। हमारी चाय भी रेडी हो गई है, ओह माय गॉड, ये भी डाल देते हैं कप के अंदर और दे देते हैं चाय के शौकीन लोगों को। यार चाय लाजमी गिरनी होती है मुझसे। ले जी ये दाल भी मैंने निकाल ली है, इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। प्याज टमाटर डाल दिए मैंने सारे जी, दाल भी ऐड कर देती हूँ मैं इसके अंदर। लें जी इसके अंदर मैं अब पानी डाल लूँगी, मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये जी थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालने लगा लहसुन पाउडर, साथ में इसके अंदर हम डाल देते हैं जी थोड़ा सा अदरक पाउडर, और थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देते हैं, और
और बस एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हिला देती हूँ और इसको ना मैं बस अब रख दूँगी पकने के लिए। और ये जब बिल्कुल मैश हो जाएगी ना, अच्छी तरह से मैश हो जाएगी ना, तो बस इसको ना हम तड़का लगा लेंगे और वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या तड़का लगा रही हूँ। ठीक हो गया, मैं बंद कर रही हूँ, बाय बाय, बाद में मिलेंगे जब दाल हमारी मैश हो जाएगी। अब्दुल्ला हद के बाबा गए थे जी पीनट्स लेने के लिए, और आप जानते ही हैं कि उनकी आदत है कि वो एक चीज़ पे ना रुक नहीं सकते, उनके हाथों में ख़ारिश होने लग जाती है। ये शॉपर भी ले आए हैं साथ इतना सारा, और ये अब्दुल्ला हद भी आ गया। आप नहीं आ रही बीच में रहने दो, ये मिर्ची है बहुत। मैं मिर्ची वाली ही खाती हूँ। नहीं ना, मिर्ची नहीं खाना आप ना, मेरा ख्याल है लेस खा लो। ये खा लो डायनो मंचीज, ये भी मज़े के हैं। तो जी जनाब, आज अब्दुल अहद के संग एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना मुझे करते हैं, मोटिवेशन देते हैं इतनी ज़्यादा कि मेरा दिल करता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ आप लोगों के लिए। और अब्दुल्ला हद इस टाइम रो के हटा अभी थोड़ा सा। तो खैर जी, मुझे अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखें, ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो ना, अल्लाह हाफिज़ प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। नींद आई है आपको? एक दफ़ा बस अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। नहीं करना भाई।